आदाब, मेरा नाम है शेख सुफियान और आप देख रहे हैं दर्द दिन टेट। अभी जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो न्यूज़ है कर्नाटक की। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद के बीच भगवा स्कार्फ में कॉलेज पहुँचे छात्र। आगे की न्यूज़ आपसे शेयर करूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सच खबर आप तक तुरंत पहुँच जाए। अभी आते हैं न्यूज़ की तरफ, आपसे न्यूज़ शेयर करता हूँ। उडुपी कर्नाटक। कर्नाटक में कुछ मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने देने की मांग को लेकर विरोध के बीच छात्राओं में एक समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया है। उडुपी जिले के कुंडापुर के वीडियो में लड़के और लड़कियां कॉलेज की वर्दी पर स्कार्फ पहने हुए हैं और कॉलेज जाते समय जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई भी दे रहे। व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एज दीज प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस कॉलेजेस इन कर्नाटका एंड हाउ इज दिस इंटायर इशू प्लेइंग आउट पॉलिटिकली इन द स्टेट? See, now it has spread to various other districts of the state, like from Udupi it has now reached Chikmagalur, Mangalore, then Shivamoga. Then even we have seen protests in Hassan and in Belgavi as well. So now it is spreading. From both the sides, this issue is being raised at various platforms. The BJP MP from Mysuru, Pratap Simha, also come out today and supported the right-wing Hindutva group. And he said that those who are not willing to go by the law, they should think twice before violating it and even before raising voice against it. But when I spoke to one of the lawyers of the petitioner, M. Tahir, he told me that as he has challenged this ruling, this order of some of the colleges where students have been barred from entering into the campuses with wearing hijab, that advocate told me that there is no such law for pre-university colleges where a student can be barred on the basis of his or her dress, because there is no dress code as per the guidelines of the pre-university state government's forum that had issued the guidelines for the pre-university colleges. So now this matter will come up for hearing on Tuesday in Karnataka High Court, and it is expected that some sort of solution is expected. इस विरोध ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी है और राजनीतिक बहस भी शुरू कर दी है। कांग्रेस और भाजपा ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साधा है। वीडियो क्लिप में मुस्लिम छात्रों को एक अलग कतार में अपने वर्दी के ऊपर स्कार्फ पहने हुए देखा जा सकता है। कॉलेज के पास पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही है। वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी भगवा पहने हुए प्रदर्शनकारियों के समूहों को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं जो एक बाजार के पास इकट्ठा हुए थे और नारे लगा रहे थे। इससे पहले तटीय शहर कुंडापुर के वीडियो में सरकारी जूनियर कॉलेज के छात्रों को हैंडस्काफ में दिखाया गया था जो परिसर में प्रवेश से रोके जाने के बाद अपने प्रिंसिपल राजकृष्ण जीजे के साथ बहस करते हुए दिखाए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार कॉलेज के नियम छात्रों को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देते हैं लेकिन पाठ के दौरान नहीं। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री आराग ज्ञानेंद्र ने कहा है कि बच्चों को स्कूल में ना तो हिजाब पहनना चाहिए और ना ही भगवा स्कार्फ। ज्ञानेंद्र ने संवाददाताओं से कहा, स्कूल वह जगह है जहाँ सभी धर्मों के बच्चों को एक साथ सीखना सिखाना चाहिए और इस भावना को आत्मस्थ करना चाहिए कि हम अलग नहीं है, हम सभी भारत माता के बच्चे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे धार्मिक संगठन है जो अन्यथा सोचते हैं। मैंने पुलिस से उन पर नज़र रखने को कहा है जो लोग इस देश को एकता में बांधा डालते हैं या कमज़ोर करते हैं, उनसे निपट जाना चाहिए। एक महीने पहले उडुपी के पीयू गर्ल्स कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद बीजेपी शासित कर्नाटक में यह इस तरह का दूसरा टकराव। वहां के छात्र अभी अभी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी है और कई लोगों ने कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश नहीं देने के कदम पर सवाल भी उठाया है।
इस मुद्दे पर अपने रुख को लेकर राजनेताओं ने एक दूसरे पर हमला किया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉलेज के अधिकारियों द्वारा कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के फैसले का हवाला देते हुए ट्वीट किया है, हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, छात्रों को हिजाब को उनकी शिक्षा के रास्ते में लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो अंतर नहीं करती है। कर्नाटक भाजपा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता को शिक्षा का संप्रदायिकरण करने को लेकर उनकी आलोचना की। कर्नाटक भाजपा ने ट्वीट किया, शिक्षा की संप्रदायिकरण करके राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। अगर शिक्षित होने के लिए हिजाब बहुत ज़रूरी है तो राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं करते हैं? खैर, आपने खबर तो सुनी होगी। ऐसी किसी खबर के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।